Kumari guest Sikri, Rajiv as a gulab, Paresh as boyfriend and Sugandha as a girlfriend. Hello, Prachi. Hi. Chitrahar ji. आपने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा? इससे अच्छा रंगोली रख लेते. आने तो उसमें भी गाने थे. आपका नाम इतना मुश्किल है ना, पहली बार तो कोई भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाया होगा आज तक जिंदगी में. सोहेल भाई आपसे हुआ? नहीं नहीं हुआ ना. आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, हिंदी वाला नाम. मेरी ड्रेस से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाऊं. गुलाब. गुलाब. और पता है कि ये ड्रेस पहन के आपको मैं फूल लग रहा हूँ? मुझे पता क्या लग रहा है, जैसे किसी ने नीचे पंखा चला दिया और मैं ना जो जीता हुआ सिकंदर की पूजा बेदी समझ रहा हूँ अपने आप को. कैसी ड्रेस बना के देती मुझे. आज मैं फूल बना हूँ. आप यहाँ तक आए ना आए, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तोड़ने के लिए तो जरूर पहुंच जाएगा. रश्मि. रमेश. रश्मि. रमेश. रश्मि. रमेश. एक मिनट देख लो, अभी यहाँ से निकल के बोलेगा. हाँ कितना हसीन मौसम है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, आओ डार्लिंग रोमांस करें. जानो कितना हसीन मौसम है रे, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं रे, आओ डार्लिंग रोमांस करें. अभी नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे खुश करो, पहले मेरे लिए कोई गिफ्ट लाओ, गिफ्ट लाओ. तुम्हें खुश करने के लिए मेरे पास फूल है रे. How cute, how sweet, how cute, how romantic, romantic. ए, खबरदार मुझे तोड़ने की कोशिश की तो. अबे तुझे नहीं तोड़ूंगा तो उसका दिल नहीं टूट जाएगा रे. अरे ये गुलाब के फूलों को कांटे क्यों होते हैं रे? बस हर फूल को बचाने के लिए एक कांटा होता है. उसी तरह अर्चना जी, सामने कोई भी शो आ जाए, हमारे शो को बचाने के लिए एक गांडा होता है. जानू ये लो गुलाब, ये लो गुलाब. जानू, मैं तो तुम्हें बता नहीं भूल गई थी कि मुझे तो गुलाब से एलर्जी है, एलर्जी है. ओ, सिर्फ तुम्हें नहीं, यहाँ पर जितने भी हैं सभी को इस गुलाब से एलर्जी है, एलर्जी है. भाई फूल दो और बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जानू ये लो रिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिंग? अबे साले तू स्टैंड अप है तो क्या हर बार तेरी लाइन बोलेंगे? अबे हम भी तो इम्प्रॉम्प्टू एक्टर हैं. जानू क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ. तो आओ सुहागरात मनाएं. चाहे सुहागरात हो, फूल तो चाहिए ही चाहिए. सुहागरात से याद आया, आपने भी एक फिल्म की थी ना, इन कार. जैसी फिल्म थी उसका नाम इन कार नहीं, इन तब होना चाहिए था. जानू जानू, इस दिन का हमने कब से इंतजार किया और आज ये शुभ घड़ी आ ही गई, आ ही गई. जानू जानू ये लो गुलाब, आओ हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करें. हाँ हाँ, सब शुरुआत करने के लिए गुलाब को ही इस्तेमाल करो. बस अभी फूलों को मसल के यहाँ पर फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन, और फिर ये हो जाएंगे फूल के कुप्पा, एक मम्मी और एक पप्पा. हेलो, क्या भोपाल वाले सीनियर दादाजी नहीं रहे? अब हम स्वागत कैसे मनाएंगे? स्वागत कहाँ जाएगी? दादाजी थोड़ी आने वाले थे हमारी स्वागत पे. जानू इस वक्त हमें कहीं गुलाब नहीं मिलेगा, क्यों ना इसी गुलाब को हम लाश पे चढ़ा दें? हाँ, आओ. जल्दी से निकलो. मुझे मत चढ़ाओ, मुझे मत चढ़ाओ. मैं भी इंसान हूं, मुझ में भी जान है. ऐसी ट्रेजेडी तो हमारे फूलों की जिंदगी में आती रहती. डर फिल्म में शाहरुख खान के हाथ में मेरा छोटा भाई आया था,
She loves me, no. उसकी तो प्यार उसे मिला नहीं, मेरा भाई नंगा होके घूम रहा था. मैं तो फूल हूँ, कभी महंगा कभी सस्ता. मैं तो फूल हूँ, कभी महंगा कभी सस्ता. कभी मौत की सजावट का सामान हूँ और कभी जन्मदिन का गुलदस्ता. अर्चना, कैसी लगी आपको हमारी गेस्ट तिकड़ी की परफॉर्मेंस? नाइस, वेरी एंटरटेनिंग एक्ट. थैंक यू आर्ची. सुहेल, यू नो इसको कहते हैं एक्चुअल नौटंकी. फैबुलस. एंड परेश, आई एम अ बिग फैन. थैंक यू सो मच. सुगंधा बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, पर वो पूरा एक्ट तो नहीं कर पाएंगी, बट वी मेक हर डू अ लिटिल बिट. आप जरा कंगना के स्टाइल में एक बार हमारी जो गेस्ट है उन्हें थैंक यू बोल दीजिए आने के लिए. वेलकम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. I'm Tangna Dadavat. And what is your name? Tatrangna. Yeah. Have you... Okay. I just wish for both of y'all for your movie, for your upcoming movie. I don't remember because I have lots of movies, but still, I will wish for you because what's the name of your movie? I, Me, and... Or Meh. Nice name. Me, man, myself, you know me, I'm the best. Yeah. So I, me and myself, good luck for your movie. And just get lost from here. Yeah, what are you doing? You don't have parents, you don't have parents, you don't have parents. Yeah, it's enough. Chitrangna aur beti Prachi, tumhari film dekhne koi aaye na aaye, par mere Karan Arjun zarur aayenge. मैं यही विश करती हूँ कि आपकी फिल्म तेरे नाम से भी ज्यादा चले. प्लीज वेलकम कॉमेडी के फैंसी ड्रेस शो में कपिल एज दरोगा, श्वेता एज हिज वाइफ एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स. हेलो प्राची, हाउ आर यू? Hi, very मुझे पता है आप लोग फिल्म की प्रमोशन करने आई हैं. Am I right? एक बात बताइए, आपकी फिल्म का डायरेक्टर कौन है? वो शेर खान के हीरो, वो कपिल शर्मा नहीं, दूसरे कपिल शर्मा. नाम पूछा है मैंने. कपिल शर्मा. शो ऑफ नहीं करते सर जी, करना हमें भी आता है सब कुछ, हम तो बताते नहीं किसी को. बाकी जॉन नहीं आया? जॉन, अच्छा हुआ. जॉन के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रगल किया है उस बंदे ने. हीरो आने से पहले अमर जूस सेंटर पे वो एज ए जूस मशीन काम करते थे. वही आते पड़ी हुई अभी भी देख लो, यूं करके यहाँ संतरे लगा के चल के आते हैं. बट हाउ आर यू चित्रांगदा? बड़ा यूनिक नेम है आपका, पूरी दुनिया में ऐसा नाम मैंने कभी सुना नहीं. आपको पता है चित्रांगदा ने एक ही साल में मम्मी कहना सीख लिया था, लेकिन मम्मी को चित्रांगदा कहने में 5 साल लगे. हेलो हेलो, या कमिश्नर साहब. हाँ जी, हाँ शमशेर बोल रहा हूँ. हाँ तो शमशेर को फोन किया, शमशेर ही बोलेगा. हाँ जी, क्या रामगढ़ जाना है? ठीक है सर, आप चिंता ना करें, मैं अपनी जान हथेली पे रख के अपनी लाश वापस लाऊंगा. ठीक है सर, मैं तैयार हो जाऊं, मुझे रामगढ़ जाना पड़ेगा. वो बंदा नहीं अपना ठाकुर एटीट्यूड वाला, इसको दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करो जवाब नहीं देता, उसने मुझे बुलाया है. कोई डाकू वाकू पड़ना, मैं तैयार हो जाऊं. करीना मेरी वाइफ है. करीना, कितनी बार कहा मुझे स्वामी स्वामी मत कहा करो. एक बार दारू पी के फ्री का डोसा खाने के चक्कर में शादी क्या कर ली इससे? मेरा दिमाग खराब करके रखा है. जब देखो स्वामी स्वामी स्वामी, ऊपर से बच्चे ऐसे डबल कलर के पैदा किए ना इसने, क्या बताऊं आपको. कल नारियल की चटनी के इतने शौकीन है, जहां देखो नारियल की चटनी लगा के घूमते रहते हैं बच्चे. लगता ही नहीं मेरे को, ऐसा लगता है घर में समोसे घूम रहे हैं. तिकोने मुंह वाले समोसे. मैं अभी ससुराल में चला जाऊं ना, अपने समझ में नहीं आता मेरे को क्या करूं. सब एक ही जैसी लुंगी पहन के घूमते रहते हैं, पता नहीं चलता कौन सास है कौन ससुर कौन साला. एक बार तो इसके मायके में शादी थी किसी की, मैं चला गया सूट बूट पहन के टक्सीडो पहन के, इसका भाई लुंगी पहन के घूम रहा है, उल्टा मेरे को डांट रहा है. कहते जीजा जी आप तैयार नहीं हो क्या, क्या हो रहा है? पागल लोग कर, पागल कर रखा मेरे को. अयो स्वामी थोड़ा चुप करो, मैं ना तुम्हारे लिए चटनी बनाई. चटनी भी नहीं, कभी पराठे ना बनाना मेथी वाले. जब देखो चटनी, इडली, बड़ा, सांबर, जब देखो यही चीजें. ये साउथ वालों ने तो पकौड़े बनाने आते नहीं, इनको एक ही पकौड़ा जिंदगी में बनाया इन्होंने साउथ वालों ने, विवड़ा करके, उसमें भी उंगली करने से बाज नहीं आए. क्या वो बिंदु बड़ा उंगली करके रख दी, छेद कर दिया उसमें भी. जब भी उसको खाओ चटनी लीक करती रहती है. उसका नाम मेंदू बड़ा नहीं, उसका नाम छेंदू बड़ा होना चाहिए था, इतनी प्रॉब्लम होती है. अरे स्वामी ये बिल्कुल भी राइट नहीं है, आप हमारे कल्चर का कितना मजाक उड़ाते. क्या मैं कभी बोली कि तुम पंजाबी लोग शराब पी के कैसा हंगामा करते,
क्या क्या हंगामा हो रहा है? क्या हंगामा रहा है? चुपचाप बैठी तो यार इसने कुछ किया उसने? क्या हंगामा रहा है? सुनो, मुझे रामगढ़ जाना है। अयो रामगढ़? पर स्वामी, तुम हमको प्रॉमिस किया कि शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। ऑस्ट्रेलिया? मेरे को पता चल गया तू आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया को ताला लगा के रशिया निकल गए हो। ऑस्ट्रेलिया सारा खाली पड़ा है। चल हट जा, मुझे रामगढ़ जाने दे। मुझे रब्बर सिंह को पकड़ना है। अयो स्वामी, और रब्बर सिंह को पकड़ने को जाता है? रब्बर सिंह डाकू को पकड़ने को जाता है? अयो राम पापा। अबे सुन ले मेरी बात। ए ओ सफेद लूंगी, बात सुन मेरी। अबे अभी थोड़ी ना गया, मारा थोड़ी मेरे को उसने। दो दिन बाद वाला डायलॉग अभी से बोल रही है। स्वामी तुम संभल के जाना। हाँ हाँ। और मेरे को ज्यादा मिस नहीं करना। नहीं नहीं कभी भी नहीं। एक और बात मेरे को बोलने का है। क्या? मुत्तु कोड़ी कवाड़ी। तेरा बाप होगा कबाड़ी। चल निकल जा, चला जा। मुत्तु कोड़ी कबाड़ी मकर तक पड़ देख पड़े। क्या क्या बोलती रहती है? नमस्कार ठाकुर साहब, मैंने कहा ना बड़ा एटीट्यूड, कोई जवाब नहीं देगा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मुझे रबर चाहिए। तो दुकान से ले लेते, मेरे को भी बुलाया 200 किलोमीटर दूर। अरे मिठाने वाला रबर नहीं, डाकू रबर सिंह। अच्छा, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गलत तो करेगा ही, औरतों की नाइटी पहन के घूमोगे तो? ये क्यों, ये मैक्सी क्यों पहन के घूम रहे हैं आप? मैंने जानबूझ कर नहीं पहनी है। ये वहाँ ऊपर सूख रही थी, मैं जाकर नीचे खड़ा हो गया, तभी रामलाल ने क्लिप निकाल दी, ये ऊपर से मेरी बॉडी पे आके लटक गई। तब से मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। इसी तरीके से पहनते हो? तो चड्डी पहननी हो तो टांगे ऊपर करके रहते हो। अरे एक बार बताइए ठाकुर साहब, पहली बार मैं रामगढ़ आया हूँ, ना कोई चाय ना पानी, व्हाट इज दिस? मैं तुम्हें चाय पानी के लिए जरूर पूछता, लेकिन रामलाल अब यहाँ काम नहीं करता। रामलाल काम छोड़ गया? 2-3 महीने पहले मेरा पेट क्या खराब हुआ, कमबख्त नौकरी छोड़ के चला गया। ओ, तो इसका मतलब आजकल जमीन पे घिसाई होती है। कॉल बंद करो, जल्दी से जाकर रब्बर को पकड़ो। ठीक है, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं रब्बर को जिंदा पकड़ के लाऊं। और अगर मैं 2 दिन तक वापस नहीं आया तो मेरे घर पे फोन करके बता देना मेरी डेथ हो गई है। ओके ठीक है, जाओ, इससे कोई कॉमेडी नहीं होती फालतू में। आपको एक बात बतानी थी। हाँ। मेरी माँ ठीक नहीं है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सही टाइम पे फोन किया माँ। आजकल माँ की तबीयत के बारे में सुन के 10-10 नंबर मिल रहे हैं। हाँ माँ, हाँ बाकी सब ठीक है मम्मी। हाँ, 2 हीरोइन आई है, एक का तो घुटना भी नजर आ रहा है, बड़ी सुंदर है। हाँ जी मम्मी, ठीक है माँ, ठीक है। ओ रब्बर को तो मैं पकड़ के ही छोड़ूंगा। तबलक 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 तबलक। अरे सांबा। सांबा नहीं है, पूरी फिल्म में एक ही डायलॉग है, पूरे 50,000। अब 3 शब्द बुलाने के लिए आर्टिस्ट में खर्चा करें हम लोग, कोई सामान नहीं इधर। अच्छा करियो अर्चना, बता तो जरा ये सरकार हम पर कितना इनाम रखे? इनको पता चल गया था सरकार ने आप पे इनाम रखा है, तो जहां पे इनाम रखा था वहां से लेके भाग गई, अब इनके पास रखा हुआ है। बकवास बंद कर, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर के आगे ही DDLJ है। डर के आगे DDLJ नहीं, डर के आगे जीत है, जीत। तेरे को क्या पता 2 कौड़ी के डाकू, तेरे को ना तेरे पास TV ना रेडियो, तुझे क्या पता कौन सी फिल्म कब आगे कब निकल गई। अबे जीत बहुत बाद में आई थी, पहले DDLJ आई थी। और एक बार बताओ कहां तुम्हारे सब कालिया छोलिया डर के भाग गए क्या? बकवास बंद कर, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बांध दूंगा मैं तुझे। ए, आ जा। मेरे बांध रहा है? ओ माय गॉड, मुझे बांध दिया। मुझे बांध दिया। अब अर्चना कहेगी कपिल तुम और अच्छा कर सकते थे लेकिन तुम्हारे हाथ बंध गए थे। फिर तेरा मुंह तोड़ूंगा साले। ये हाथ हमका दे दे शमशेर। ले ले हाथ मेरे साले, सबके हाथ ले ले। ये ले ले सुरेंद्र के, श्रुति के, ले ले सबके हाथ। ऑक्टोपस बन जा साले, हाथ चाहिए तेरे को सारे। बकवास बंद कर। खबरदार, मेरे स्वामी को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, कालिया को लड़की वाली ड्रेस में भेज दिया है? तुम्हारी बीवी, ये देखो पत्नी। तुम यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वामी मेरे को मालूम था कि तुम बहुत बहादुर, तुम इतना बहादुर कि ये रबर तुमको जरूर बांधेगा, इसलिए मैं तुमको बचाने को आई। इससे शादी की तूने? साले हाथ काट दो, हाथ काट, शादी वाली बात याद मत दिला मेरे को, काट मार मेरे को। खबरदार, खबरदार, मेरे स्वामी को हाथ लगाया तो तेरे को मालूम नहीं है, मैं तेरे को ऐसे नारियल काट काट के तेरे को भी डाल दूंगी चट्टी में, तेरे को सांभर बना के सांभर करके खा जाओगी, तेरे को पता भी नहीं है। खबरदार, लुगी नहीं जगह, लुगी नहीं जगह।
बेचारे लोगों को। ए, गोली मार तू, गोली मार। क्या तू अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को मरवा देगा? हाँ? तो ये कौन सी चित्रांगदा कली और हर मार्स को गोली मार इसको, गोली मार इसको। अयो तुम हमारा लक्ष्मी बहना, रबरू अन्ना, लक्ष्मी बहना, रबरू अन्ना, लक्ष्मी बहना, रबरू अन्ना। ये क्या रबड़ी गुलाब जामुन, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये? अयो स्वामी, ये मेरा कजिन रबरू अन्ना। हैं? तो इस साले को बोल जीजू को छोड़ दे। अयो अन्ना, ये मेरा स्वामी, इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारो। ठीक है बहना, अगर तू बोलती है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अयो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने देर बाद भाई बहन मिलो, राखी बांधो भाई को। राखी? अयो मेरे को क्या पता था मेरा अन्ना इधर मिल जाएगा मेरे को, मैं राखी लेकर नहीं आई। ये भी तो राखी है, इससे बांध लो भाई, प्यार की डोरी होती है, प्यार होता है ये तो। राखी क्या है, प्रेम का बंधन है, धागे से बांधो, दोनों हाथों से बांधो, भाई है तुम्हारा, भाई है तुम्हारा। आगे बांधी राखी, इधर आओ भैया, चल बड़ा बनता था साले ड्रबर, अब देखता हूँ तेरे को कौन बचाता है। गोली मारूंगा तेरी टांग में। क्या स्वामी, ये मेरा भाई है, ये मेरा अन्न है, इसको नहीं मारो। तो कोई बात नहीं, एक सेकंड। That was amazing. ये तूने बहुत गलत किया। मैं आराम से। दोनों के दोनों मर गए, अभी भी इसमें तीन गोलियां बाकी हैं। लेकिन स्वामी, क्या उधर चार लोग हैं? इसमें भी गोलियां चार ही हैं, मुझे पता था तू एक से मरेगी नहीं। अब बची तीन। कहती थी सामने बंदे चार हैं, बेवकूफ औरत, एक ने मेरी फिल्म नहीं बनानी, बाकी तीन। अब अपने आप नंबर निकालो, नहीं तो गोली कभी भी चल सकती है। Rangda, how did you like this performance? It was, I think, the funniest today. Yeah. It was so funny. I've constantly, I think, make up my cheeks. I have to give a little massage, you know. Fabulous energy. Fabulous. Thank you. Thank you, Chitrangda. Archana? Ye act purely on humor chala hai. And for that. Thank you, ma'am. Standing ovation from Archana. Sohail? I don't know how you do it, Kapil, and this whole team. Kya itna hasane ke baad, they keep you in the end. But आदमी हंस हंस के भी थक जाता है, लेकिन जब आप आते हो तो कोई नहीं थकता। स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम बोथ आवर जजेस एंड अ परफेक्ट एंड। जाने से पहले हम चित्रांगदा और प्राची का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप दो हमारे शो पर आए। आई होप कि हमारे कॉमेडियंस ने आपको खूब हंसाया और आपने हमारे शो को एंजॉय किया। एब्सोल्युटली, थैंक यू। वेल, थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर। मतलब इतना ज्यादा मैं एक दिन में कभी नहीं हंसी हूँ, सीरियसली, थैंक यू। इंडिया के हर घर में ऐसी ही हंसी फैलाता रहेगा कॉमेडी का ये महाशो, द वन एंड ओनली सेंटर फ्रेश चूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।